हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारी लाइफ की जर्नी और नेक्स्ट डायरेक्शन या नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। ठीक है जी, तो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आपके सामने यहाँ पर 3 piles हैं एज यूजुअल। ठीक है, आप इन 3 piles को आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग ही चूज करिएगा। एक ही एक से ज्यादा भी कर सकते हो, बट फिर भी यहाँ पे करिएगा। ये है, दिस इज ग्रुप नंबर 1, दिस पाथ ओरेकल कार्ड। ग्रुप नंबर 2, दिस ब्यूटीफुल बुक कार्ड। एंड ग्रुप नंबर 3, दिस टाइम कार्ड। आपको इसमें से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको अपनी इंट्यूशन से चूज करिए। थोड़ा सा लाइफ को अपनी रिकॉल करते हुए आपका जो अब तक आपकी जो भी एज है या अब तक जो भी हुआ है उसको रिकॉल करते हुए अगर थोड़ा सा आप याद करेंगे ना, तो करंट सिचुएशन भी आ जाएगी और नेक्स्ट स्टेप भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो करें आपकी रीडिंग स्टार्ट 1 by 1 करके। एज यूजुअल कार्ड हम आपके सामने ही शफल करेंगे जैसे कि हम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हे ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी चूज किया है आपके इस बात के कार्ड को, ठीक है जी, इस ग्रुप में हो सकता है काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एक तो थोड़ा ही चक्रा पहले काफी टाइम से काफी सालों तक जो है इम्बैलेंस रहा होगा, इनएक्टिव रहा होगा। रीजंस हो सकते हैं कंफ्यूजन रहना, सही डिसीजंस नहीं ले पाना। हमेशा आपको लगेगा कुछ चीजें जो कि आपके लिए हैं बट वो कभी भी आपके लिए नहीं होती थी। मीन्स हमेशा रॉन्ग चॉइसेस आना आपकी लाइफ में, या चूज करना ऐसी चीजें जो कि आपको बाद में लगता होगा कि कैसे चूज कर लिया। ठीक है, फियर्स भी हो सकते हैं आपके, कुछ विजन ड्रीम्स भी आ सकते हैं आपके कुछ, बट ब्रेन से आप शार्प होंगे। और एक जो दूसरों के मुकाबले ये वाला ग्रुप जो है काफी इंटेलिजेंट हो सकता है, स्पिरिचुअल पाथ पर हो आप। स्पिरिचुअल पाथ पर ना अब से नहीं हो, बहुत सारे जो लोग पास्ट लाइफ वगैरह में बिलीव करते हैं, काफी सारे पास्ट लाइफ से आप इसकी तरफ बढ़ते आ रहे हो। ठीक है, और काफी सारी स्ट्रगल्स पास्ट में आपने बहुत बहुत सारी चीजें देखी हैं, एवरीथिंग डार्क साइड है ना, फिर बीच में कभी कभी बहुत ही अच्छा साइड, इस तरह से आप बढ़ते हुए आगे आ रहे हो। एंजल के साथ आपका कनेक्शन हो सकता है। ठीक है जी, हो सकता है आपको माउंटेन साइड जो है हिली एरियाज बहुत अट्रैक्ट करते हो। मे बी कुछ लोगों को हिमालयाज या ये सब चीजों में इंटरेस्ट हो, या कभी जाना चाहते हो कुछ भी ऐसा प्लेसेस जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह हैं वहां पे। और कुछ लोगों का यहाँ पर ऐसा भी है कि आप ऐसे प्लेस से कनेक्टेड हो सकते हैं जो कि काफी एंशियंट वगैरह होगा, मतलब आपके एंसेस्टर्स या आपकी फैमिली पुराने किसी ऐसे टाइम से कनेक्ट हो सकती है, बट वहां पे माउंटेन्स हिल्स और नेचुरल प्लेस होगा वो, चाहे अब वो कितना भी डेवलप हो चुका हो। वैष्णो देवी की वाइब्स भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आ रही है इस वाले ग्रुप के लिए। एमिथिस्ट के साथ आपका स्पेशल थोड़ा सा, या एमिथिस्ट नेम पसंद होगा या फिर ये क्रिस्टल पसंद होगा, ऐसा भी हो सकता है। नंबर 6 का भी ये वाला कार्ड हो सकता है, और इंडिगो भी आपका कलर हो सकता है, या कुछ लोगों को थोड़ा सा स्टार सीड टाइप का इसमें फीलिंग या वाइब्रेशंस आता होगा खुद के लिए। ठीक है जी, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ये बहुत कुछ है मीन्स इस कार्ड में। अगर हम इस सब कार्ड को आपने कुछ बहुत ही परफेक्ट तो ठीक है, वट एवर इट इज, साइकिक टैरो रीडर्स को देखा होगा ना, माय गॉडनेस, दे जस्ट रीड द होल रीडिंग फ्रॉम ओनली सम टैरो डेक्स, है ना, जस्ट बाय देयर पेंटिंग दे कैन सी द विजन्स। तो मुझे यहाँ पे जो लोग भी थोड़ा सा स्टार साइड में बिलीव करते हैं ना, मुझे यहाँ पे वाइब्स काफी आ रही हैं। अब आप अगर कोई मुझसे पूछेगा तो कौन है, जानते हो क्या, नहीं मैं नहीं जानती, मैंने एक ही रीडिंग देखी थी, इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था मुझे, चैनल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, तो वो चैनल भी है उनका या नहीं मुझे नहीं मालूम है। ठीक है जी, और दैट्स इट, लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ये डेक जो है ना थोड़ा सा चक्रास में भी बिलीव करता है, कुंडलिनी में भी बिलीव करता है, स्पिरिचुअल एक्सेशन में भी बिलीव करता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप कम नहीं हो। ठीक है, मशर लाइफ को भी आप उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हो, बट डे ड्रीमर मुझे नहीं लग रहे हो, एम्बिशियस लग रहे हो, विजुलाइजेशन स्ट्रांग हो सकता है इस वाले ग्रुप का, बट मुझे ये ग्रुप जो है डे ड्रीमर नहीं लग रहा है। यू नो होता है ना फालतू की चीजों में हमें लगता है एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर
नॉर्मल वो वाले इश्यूज नहीं है, काफी डाउन टू अर्थ भी हो सकते हो आप, ये वाला जो ग्रुप है। खैर एक कार्ड की रीडिंग पर ही हमने इतना कुछ जो है यहाँ पर बोल दिया है। ठंड हो रही है, ठीक है, और लेते हैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स हम ग्रुप नंबर वन के लिए। आपका लाइफ का जर्नी, इस हिसाब से तो रीडिंग लॉन्ग नहीं हो जाएगी, आपके लाइफ का जर्नी और क्या, ओह चेंज वर्ल्ड का कार्ड, आई वाज राइट। ठीक है, तो मैं नहीं लेने वाली हूँ इसको, ठीक है जी। और पर ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये अपने आप में काफी चीजें ना आपको ना बार बार वो करती हैं। भाई ये जो कार्ड में मैं आपको बता चुकी हूँ ना, आपके एक ही कार्ड में ये सब चीजें ही उसी तरह के कार्ड्स निकल कर सामने आ रहे हैं सभी, तो बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है आपको। आप लोगों को भी ये बोला जा रहा है कि थोड़े से प्रैक्टिकल चेंजेस लेकर आइए आप अपने लाइफ में, ठीक है जी। हीलिंग, हीलिंग का कार्ड है ये, ठीक है। काफी सारे वूंड्स होने की वजह से, पास्ट के इश्यूज होने की वजह से, एनर्जी स्टक होने की वजह से ना आप लोगों को हीलिंग की जरूरत है, ठीक है जी। हीलिंग की काफी जरूरत है। देखिए अगर कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंसेस या लाइफ में किसी चीज के इश्यू होंगे ना, जैसे कि मैंने बोला है यहाँ पे विजुलाइजेशन की पावर आप लोगों की बहुत स्ट्रांग है, लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर बहुत स्ट्रांग है, वो भी लोग आपके पास काउंसलिंग के लिए, एडवाइस के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए आते होंगे, जो कि आपके पास काफी स्ट्रांग है। बट जाने अनजाने में एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेना, क्योंकि जब बहुत सारे लोग ऐसे आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं आप पर भी अफेक्ट ऑब्वियसली होगा ही होगा। मैक्सिमम हीलर्स के साथ यही प्रॉब्लम रहता है, तो ये आपके साथ भी है, ठीक है। तो आपको टाइम टू टाइम हीलिंग की भी जरूरत है इस वाले ग्रुप को। अगेन वही बोलूंगी, थर्ड आई चक्रा और फिर आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा या फिर आपका सैक्रल चक्रा, क्योंकि ये पॉइंट्स में एनर्जी स्टक होती ही होती है। इन चक्रास में एनर्जी आपकी स्टक होती ही होती है, और कभी लाइफ में ऐसा लगे ना कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हो, स्टक क्यों नहीं हो पा रहे हो, सिंपल सा तरीका है बेसिक हीलिंग। दूसरों के पास प्रोफेशनल आप सेशन ले रहे हो, पे कर रहे हो ना, खुद का थर्ड आई चक्रा को हील कर लें और अपने सोलर या सैक्रल चक्रा को रिलीज कर दें। जो भी सोच कर इंटेंशन विजुलाइजेशन अगर इतना जानते होंगे तो ये भी जानते होंगे, तो वो हीलिंग जो है होता रहेगा, ठीक है जी। नहीं तो बहुत बहुत सारी एनर्जीज कनेक्ट हो जाती हैं ऐसे, स्पेशली जो लोग हीलर होते हैं, ठीक है, या जाने अनजाने में, हो सकता है आपको पता भी ना हो तब भी आप कर रहे हो। तो देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं इस वाले ग्रुप के लिए, योर लाइफ जर्नी एंड नेक्स्ट डायरेक्शन। और ये वाला हो सकता है ना ग्रुप थोड़ा सा इस वजह से भी परेशान हो, चीजें जो है थोड़ा सा लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, आपने खुद को ही फ्रीज करके रखा हुआ है। आप खुद लविंग, गिविंग, केयरिंग काफी हो, बट कहीं ना कहीं तो आप भी स्टक फील कर रहे हो, प्रॉब्लम में फील कर रहे हो। एक्वेरियस की एनर्जी मैं इसलिए बार बार, आपने कभी देखा होगा मेरी रीडिंग में, मैं एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न को बहुत ज्यादा नेम लेती हूँ इन दो कार्ड्स का। एक्वेरियस का इसलिए लेती हूँ, वो लोग प्रैक्टिकल होने के साथ साथ काफी हाईली स्पिरिचुअल लोग होते हैं। राइट नाउ ये अभी आपकी एनर्जी है, फाइट कर रहे हो अपने नेचुरल जो एक जिस टाइप के आप पर्सन हो ना, उसी चीज के अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हो, क्योंकि ये भी देखा जाए तो ये भी आपकी एनर्जी का ही पार्ट है, ये फाइटिंग वाला स्पिरिट। बट ये मटेरियल एनर्जी का पार्ट है, जो कि लोग आपको बाहरी रूप से ऐसे देखते हैं, मे बी यू हैव शॉर्ट टेम्पर इश्यूज एंड यू नो कुछ ऐसे बहुत ही मटेरियलिस्टिक समझते हैं आपको, एम्बिशियस समझते हैं, हमेशा खुद को गार्ड करके प्रोटेक्ट करके रखते हो या हमेशा इस स्पिरिट में रहते हो। बट दिस इज नॉट फैक्ट फॉर यू, ये जो चीज है ये सिर्फ शो ऑफ करने वाला है। इसे बाहर आना है आपको, क्योंकि यही यही ब्लॉकेज बन जाता है हमारा। फिर खैर देखते हैं आपके और कार्ड्स देखते हैं। वेरी नाइस कार्ड्स, काफी अच्छे आए हैं, बट इतने कार्ड्स नहीं ले सकते हैं, आने होंगे तो ये फिर से आ जाएंगे, ठीक है। ग्रुप नंबर वन, लेटिंग गो, बिल्कुल बिल्कुल सही। अब ये हुआ ना आपका नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, देखिए वट एवर इट इज, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो, आपने अपने कुछ नॉर्म्स बना लिए हो या कुछ भी हो, लेट गो करो चीजों को, चाहे वो कोई भी हो। समटाइम्स हम लोगों के लिए
किसी सिचुएशन को, किसी प्लेस को, कुछ लोगों को लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट करना तो पड़ेगा ही। कुछ चीज़ों में तो आप डिसीजन ऐसे ले लेते हो आराम से जहाँ इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ जगह पे आप ऐसे बुरी तरह से स्ट्रक हो कि आप कर ही नहीं पा रहे हो। और आपका वीकनेस ही यही है इस वाले ग्रुप का, लगता होगा नहीं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसा है वैसा है, बट जहाँ पे एक्चुअल में करना चाहिए एनालाइज करना, वहाँ तो आप कर ही नहीं पा रहे हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वॉट एवर जहाँ पे भी आप फाइट कर रहे हो ना, जिन चीज़ों को लेकर जिद्दी हो, कोई रिलेशनशिप है, कोई सिचुएशन है, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज क्यों नहीं हो, जो आपके लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल नहीं है, आप जहाँ पे स्टक हो लेट इट गो, जाने दे। बट वो उसमें भी आपका डिसीजन अगेन वो समझदारी वाला होना चाहिए, आपकी जिद के ऊपर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये फाइटिंग के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो आपका हायर सेल्फ के लिए होना चाहिए। लाइफ जर्नी एंड नेक्स्ट डायरेक्शन ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट अ प्रोसेस, प्रोसेस के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखें कि जो भी आप कर रहे हो वो आप अपने बेहतर के लिए कर रहे हो, और जो भी आपके पास जो है ना अपॉर्चुनिटी मैसेजेस वगैरह आते हैं, मिलते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि काश ऐसा होता है मैं कर लूँ, तो राइट है, जस्ट डू इट। आपकी एनर्जी जो है ना, ये वाला ग्रुप वो है, ये जो ग्रुप नंबर वन है, जो कि ना फाइनेंसिस से रिलेटेड अगर आपकी कोई एनर्जीज है ना, तो आप उनको बहुत ही इजली वर्कआउट करके ओपन कर सकते हो, ठीक है जी। ये वाला ग्रुप जो है बहुत इजली कर सकता है, नहीं कर पा रहे हो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना आउटर चीज़ें, मेरे को लगता है इस ग्रुप पर ना उनके ब्रेन को बस अफेक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से बार बार वो स्टक हो जाते हैं, ठीक है। आउटर जो आपका सोसाइटी है, वर्ल्ड है ना, वो आपके बनाने से बनता है, ठीक है। यू पीपल आर ट्रेंड सेटर, ट्रेंड सेट कीजिए ना कि ट्रेंड को फॉलो कीजिए। आप जब जब ट्रेंड को फॉलो करोगे तो तब तब आप ऐसे ही रहोगे। अगर आप ट्रेंड सेटर हो तो कुछ भी ट्रेंड सेट कर दो भाई, वो आप अपने कंफर्ट, अपने डिजायर के लिए कर रहे हो, ठीक है। फुलफिल योर ड्रीम, जो भी आपका ड्रीम है मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना छोटा है बड़ा है किसी के लिए मैटर करता है या नहीं, आपके लिए करता है, तो जस्ट डू इट। देखते हैं और आपके लिए क्या आते हैं, पोस्टपोनमेंट, वही अगेन जैसे कि सेम है आपके लिए, बस ये बोला जा रहा है जहां जो डिसीजन ले लेना है आप लोगों ने ले लेना है, एक ही चीज के बारे में बस ये नहीं सोचते ही रह जाते और कर नहीं पाते हो। वो चीजें जहां पे आप अंदर से जानते हो कि ये मुझे करना है, इन चीजों को मुझे करना है, आप काफी कुछ डिजर्व करते हो। ये वाला ग्रुप काफी कुछ डिजर्व करता है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, सक्सेस, मोनेट्री सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो, एनर्जी वाइज हो, बट चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही डिले हो रही हैं, ठीक है, तो वो नहीं करें। यू आर योर ओन मास्टर, यू हैव हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इस चीज़ पे हमेशा विश्वास रखें ग्रुप नंबर वन के लिए, जिस बहुत ही प्रोमिनेंट है यहाँ पे। या द रेबल, वट आई टोल्ड यू, यू आर दिस पर्सन राइट नाउ, क्यों, इसलिए तो फाइटिंग करना इतना मुश्किल हो रहा है आपको, खुद से ही डिफिकल्ट हो रहा है। यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, एरिस की एनर्जी। एरिस आप जानते हैं कितने ही स्टबन होते हैं, जिद्दी होते हैं, एक बार जिस चीज पे उतर आए, कोई कुछ डिसाइड कर लिया, फिर चाहे वो उसमें उनको लॉस ही क्यों नहीं हो, उनको ये समझ में नहीं आती, कोई समझाने वाला ही नहीं है। रेबल, जिद, स्टबन पीपल, नो डाउट करियर वाइज और खुद के लिए भी डेंजरस हो जाते हैं कभी कभी ये नेचर। करियर वाइज ये ग्रुप, ये जो लोग होते हैं वो काफ़ी सक्सेस मिलता है इनको। एक ड्रॉबैक है, ये अपनी पर्सनल नीड्स को, पर्सनल लाइफ को हर बार दाव पर लगा देते हैं, क्योंकि इनके लिए ना सोशल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, जो भी कार्ड्स में मेरे को नहीं पता था मेजर अरकाना आएगा, बट वो एनर्जी से यहीं पर मैच कर रही है। शैकल्स आपके पैर में बंधी नहीं हुई है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर खुली हुई है, हटाइए इसको, ठीक है जी, दिस इज नॉट यू। एक ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी का आपके यू शुड बी दिस पर्सन द फूल, जो कि शायद आप कभी पहले हुआ करते थे, इन द सेंस कि जस्ट स्टेप ले लेना, अपने मन की मर्जी करना, अपने मन की बात सुनना, फेथ रखना और बस आगे बढ़ जाना। देखने में चाहिए आपको थोड़ा सा कार्ड है ना थोड़ा सा डेंजरस लगेगा, बट नो, अगर रियल हम उसमें देखें, ये इस जो ये आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये कार्ड का पेंटिंग ऐसा है, और ये आपका एक्चुअल जो लेवल है कि हम ऐसे बन चुके हैं, ठीक है जी। तो इसलिए आपके लाइफ में अगर कभी कभी बार बार इश्यूज प्रॉब्लम आती होंगी ना, तो इसका रीजन जो है
तो यही हो सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बीच में बता दिया है। अगर ये ग्रुप रीडिंग जिनके साथ भी पॉसिबिलिटीज बहुत ही हायर लेवल की पॉसिबिलिटीज है इस वाले ग्रुप के लिए। देखिए मैंने पहले भी बोला था आपको, आपको खुद को ऐसे देखना है किसी भी सिचुएशन जहाँ पे भी लाइफ में, अगर आपको होगा ना कि आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो आपको ईगल पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, ईगल जैसा व्यू, सबसे ऊपर उठ के, क्योंकि ईगल ही एक ऐसा बर्ड है या फिर इस उसमें आता है जो कि बहुत ऊंचा उड़ सकता है और वो नीचे, बहुत नीचे तक हर चीज़ को एनालाइज कर सकता है। आपकी ये एनर्जी होनी चाहिए और स्ट्रेंजली यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है और यही वाली एनर्जी ये आपको बार बार पोक कर रही है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, है ना। और आपका ये खुद का ब्रेन का हायर लेवल है, आपका योर हायर सेल्फ, हायर सेल्फ। और जब आप ऐसा करते हो ना, जब आप ऐसा करते हो, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, तब आता है आपका लवर्स का कार्ड, द लवर्स। द लवर्स क्या होता है? हाई लेवल ऑफ एनर्जी, आपके हार्ट की एनर्जी, व्हाट आई टोल्ड यू, आपके हार्ट की एनर्जी, आपके लाइफ में बैलेंस की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी, फैमिली की एनर्जी, साइकिक लेवल पे जब आपकी एनर्जी जो है बहुत ही हायर लेवल पर पहुंचती है ना, तब ये लवर्स का कार्ड आता है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आने की एनर्जी, कहाँ ये पोस्टपोनमेंट पे आपकी एनर्जी ऐसी थी और कहाँ पे ये इतनी ब्यूटीफुल सी आपकी एनर्जी हो रही है। आहा, सो वाओ, वही होता है ना समटाइम्स राइपनेस। आपने जो अब तक मेहनत की है उसका फल आपको जरूर मिलेगा, उसकी आपने चिंता नहीं करनी है। कहीं पे भी हो, आपके इंट्यूशन लेवल पर हो उस पर भी ट्रस्ट रखना है, आपके फाइनेंसेस पर हो उस पर भी आपने ट्रस्ट रखना है। आप लाइफ में जो चीज चाहते हो वो आपके मिलेगी। वैसे ये कार्ड थोड़ा सा एडम एंड ईव वाली स्टोरी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, विच इज टू गुड ऑल्सो। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए एनर्जी, यू नो, थोड़ा सा अलग मीनिंग हो जाता है। सो फ्रॉम माई साइड, रीडिंग ऑलरेडी 15-16 मिनट्स की हो चुकी है। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विद योर फेयर्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। बाय, हैव अ नाइस वंडरफुल डे अहेड। हे ग्रुप नंबर टू, जिन्होंने भी चूज किया है आपका ये बुक का कार्ड, तो ग्रुप नंबर टू में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि बुक लवर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज, ऑब्जर्वेशंस लाइफ के बारे में जो है समझ, उन लोगों से नहीं मिलकर आप लोगों को स्टोरीज से काफ़ी मिलती है। स्टोरीज आपको बहुत पसंद हो सकती हैं, बचपन से ही पसंद होंगी स्टोरी, स्पेशली आपके खुद के कल्चर की भी, चाहे बाइबल हो, रामायण हो, महाभारत हो, या फिर कुछ भी ऐसी पुरानी स्टोरीज हैं, यू नो, क्योंकि ओरेकल कार्ड्स हैं तो ओरेकल स्टोरीज भी होती हैं, अगर आपने देखा होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं वो सब, आपको किसी टाइम में पसंद हुआ करती थी, आज भी हो सकता है पसंद हो। ठीक है, आप लोग ऐसे हो, कहते हैं ना बुक से एक इंसान की ट्रू फ्रेंड होती हैं, तो वो आपके केस में सच है। आप लोग काफ़ी सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो है बुक से ले सकते हो। और दूसरा चीज़ यहाँ पर ये है, दो तरह के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। टाइम टू टाइम इस ग्रुप को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत रहेगी। डजेंट मैटर आप लोग कितने भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो, आप लोगों को ट्रू गाइडेंस की ज़रूरत जो है रहेगी। ठीक है जी, तो लेते रहना, बट वो सोर्स सही होना चाहिए, सोर्स सही होना चाहिए, अदरवाइज वहीं के वहीं ही रहेगी जर्नी आपकी। ठीक है, और एक और चीज़ है यहाँ पे इस वाले ग्रुप के लिए, आइदर सोलर चक्रा इम्बैलेंस होगा या फिर बहुत ही ज़बरदस्त होगा, अच्छा होगा। मीन्स कहने का है, इम्बैलेंस हुआ तो आप ये सोच लो कि जो फॉल्स ईगो है ना, वो आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। फॉल्स ईगो इन द सेंस, जहाँ डिसीजंस लेने चाहिए वहाँ ले ही नहीं पाओगे, जहाँ एफर्ट्स करने चाहिए वहाँ कर ही नहीं पाओगे, लेजीनेस काफ़ी फील हो सकता है, लेथार्जी फील हो सकता है, और डाइजेशन का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है इस वाले ग्रुप को। ठीक है जी, जो मेन एक्शंस होंगे ना लाइफ में लेने वाले, वही सिर्फ चूक जाओगे आप लोग, बाकी काम तो सारे चल रहे होंगे, पर जो मेन जो बोलते हैं ना वो मिस हो जाएगा, बाकी छोटा मोटा आलतू फालतू इधर उधर का चल रहा होगा। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं इसमें, वो उनका क्या है, जैसे मैंने बोला सोलर चक्र काफ़ी स्ट्रांग होगा। सोलर चक्र स्ट्रांग होने से एक ही टाइम में काफ़ी सारे काम कर सकते हो, डाइजेशन स्ट्रांग होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो नेचुरल चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी पसंद होंगी, फ्रूट्स, सैलेड, यू नो, जंक फूड को आप अवॉइड करोगे,
बॉडी में एक एक्टिव भी रहोगे, काफी एक्टिव रहोगे आप, काफी सारी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हो, हमेशा न्यू आइडियाज रहेंगे, ठीक है, पूरी बॉडी में आपकी वो एनर्जी को सप्लाई कर सकते होंगे, बैठे नहीं पाओगे, है ना। तो काफी सारी चीजें हैं इसमें। इसके साथ साथ आप लोगों का ना थ्रोट चक्रा भी काफी अच्छा रहेगा और रूट चक्रा भी काफी अच्छा रहेगा। रूट चक्रा मीन्स लाइफ में चाहे बाकी प्रॉब्लम आए बट ऐसा कभी टाइम नहीं आएगा कि आप लोगों को ना बेसिक नेसेसिटीज की कमी हो जाए इस वाले ग्रुप को, वो चीज नहीं होगी। कभी कभी आप लोग थोड़े अग्रेसिव भी हो सकते हैं, विच इज गुड, ठीक है जी। और यहाँ पे हो सकता है आपके बातचीत करने का तरीका बहुत ही लविंग हो, है ना, बहुत अच्छा हो, गुड लिसनर भी हो सकते हो आप लोग, तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं इस वाले ग्रुप के साथ। तो ये ग्रुप कभी कभी आप खुद को ग्राउंडेड फील करोगे, कभी कभी एनर्जी इम्बैलेंस फील करोगे, ओवर एक्टिव थोड़ा सा हो जाएगा, तो बैलेंस करना आना चाहिए, बाकी सब तो ठीक रहता है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और आपके डिफरेंट कार्ड से आपके लिए क्या आता है आपकी लाइफ की जर्नी के लिए। तो आपके लिए ना हम कार्ड चूज कर रहे हैं, बोला गया है कोई और बट नजर इस पर जा रही है तो मैं यही वाले करूंगी, ठीक है जी। दिस डेक देखते हैं आता क्या है। सो ग्रुप नंबर टू, प्लानिंग प्रिपरेशन अगर बहुत अच्छी करते हैं, टू की एनर्जी ग्रुप नंबर टू में, ग्रुप नंबर टू की एनर्जी और मून की एनर्जी, मून की एनर्जी। अब एक कार्ड से तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे भी अगेन दो तरह के लोग आ रहे हैं। सोलमेट की एनर्जी, आपके सोल फैमिली की एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी। कुछ लोगों का ऐसे होता होगा काम होते होते 90% पे आके रुक जाना, होते होते रह जाना। जेमिनाई की काफी वाइब्स हैं यहाँ पे, जेमिनाई साइन। बीच में कुछ ना कुछ अड़चन प्रॉब्लम कभी कभी आप फेस करोगे, स्पेशली कहाँ कहाँ गया, तीन ही चीजें आपके उसमें, कुछ भी हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकते हैं। बहुत प्योर वाइब्स हैं वैसे इसके ग्रुप की भी देखा जाए, अच्छी वाइब्स हैं बट हिंड्रेंस भी उसी लेवल की ही है, है ना। साइकिक लेवल, स्पिरिचुअल लेवल स्ट्रांग होगा इसका, चाहे आपने कभी कहीं से वो लिया हो या नहीं लिया हो। स्ट्रेंजली आपका ये वाला कार्ड जो है ना टू ऑफ कप्स का रिवर्स में आया है, तो प्रॉब्लम है इसी स्फेयर में ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। अगेन यहाँ पे मुझे ये वाला ग्रुप श्री श्री राधा कृष्ण लग रहा था, यहाँ पे भी वही ही लग रहे हैं। सो एनर्जीज भी इम्बेलेंस होती है बार बार इस ग्रुप की, खुद की एनर्जी, बॉडी की एनर्जी, सोलर चक्र का खास ध्यान रखे वाला ग्रुप, ठीक है। तो लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम्स फेस करोगे आप, स्पेशली इसी में ही जो मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है जी। थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो सकते हैं, उनको बैलेंस रखना अच्छा रहेगा। और इन सब चीजों की वजह से, एस ऑफ वॉन्स की है, इन सब चीजों की वजह से है ना फाइनेंशियली भी कभी कभी आपको लगेगा आप जगल और स्ट्रगल कर रहे हो वो, बट उसका रीजन यही वाली आपकी एनर्जी है जो कि इम्बैलेंस हो रही है। नेक्स्ट स्टेप रेमेडीज भी, क्योंकि हमने बोला था कि नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होगा वो भी देखेंगे, तो वो भी देखते हैं, ठीक है। आपको ना प्रैक्टिकल गाइडेंस की जरूरत है इस वाले ग्रुप को, ना कि वो देखी दिखाई सुनी सुनाई चीजों की। वो तो होता ही रहता है, वो कब नहीं हो रहा था, वो तो होता है, हो रहा है, आगे भी होना है, बट इस ग्रुप को काफी सारी एक गाइडेंस की जरूरत है। ये रास्ता ग्रुप वो है जो अपना रास्ता खुद बनाएंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें जो दूसरों के लिए काम करती हों वो आपके लिए ना कर रही हों, क्योंकि आप लोगों को ना दूसरी चीजों में कहीं ना कहीं पे फॉल्ट दिख जाता है, और जो कि सही भी होता है कहीं ना कहीं। आपको लगता है दूसरों के लिए हो रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है? या टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स रिवर्स, यहाँ पे भी टू की एनर्जी थी, टू ऑफ पेंटिकल्स, मैं आपको इसका बता चुकी हूँ। ये ग्रुप ऐसा है जिनके लिए ना उनकी फैमिली और उनका प्रोफेशन या वर्क दोनों इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है, फैमिली लाइफ। और ये थ्री कार्ड्स आए हैं आपके, ठीक है। राइट नाउ आप जहाँ पे भी तीन आए हैं इसलिए नहीं लिए, राइट नाउ आप जब भी आप काफी टाइम से लाइफ में स्टक है, ये वाला ग्रुप जो है लाइफ में काफी सारा स्टक है,
ये वाले मैं कार्ड्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ठीक है। सिक्स ऑफ वॉन्स का यहाँ पे कार्ड आया है। अर्ली लाइफ में आपने, हो सकता है आपको कुछ हद तक सक्सेस मिल चुकी हो, स्टार्ट आपने जल्दी कर लिया हो। यू पीपल आर लाइक लीडर, यू पीपल आर लाइक बॉस, ठीक है। बट पता नहीं क्यों पर्सनल मैटर्स में अगर आपका देखा जाए तो मुझे यहाँ पे एनर्जी इतनी खास आप लोगों की लग नहीं रही है। आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जो है आपको मिलना चाहता है, बट आपकी जो ये वाली एनर्जी है ना, अलोन रहने वाली, अकेले रहने वाली, चीज़ों को रिनाउंस कर देने की, छोड़ देने वाली, उसकी वजह से ना आपको प्रॉब्लम आ रही है आपको लाइफ में गुडविल अचीव करने में, सक्सेस अचीव करने में, क्योंकि बार बार आपके जो अपनी पैशन की एनर्जी है ना उसको छोड़कर अपना पीछे हट जाता है ये वाला ग्रुप किसी रीजन की वजह से। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स आते हैं इस वाले ग्रुप के लिए। ये कितनी बार कार्ड आएगा भाई? पता है, बता दिया है कि हाँ जी इशू चल रहे हैं आपकी लाइफ में, और अभी फाइनेंसिस इतने अच्छे आपके होने चाहिए थे, जो लेडी लक या चाहे आप फीमेल हो या फीमेल, डजेंट मैटर, वो होना चाहिए था, वो आपके पास नहीं है अभी। जितना ज्यादा आप डिजर्व करते थे वो उस लेवल तक का तो है ही नहीं अभी फिलहाल। पेज ऑफ वॉन्स, पोटेंशियल्स बहुत हैं, काफी कुछ करने की हैं, बट वो पोटेंशियल्स ही हैं। यहाँ पे वॉन्स की एनर्जी, यहाँ पे वॉन्स की, यहाँ पे वॉन्स की, ये है। यहाँ तक आपने स्टार्ट किया था, यहाँ तक आप हो अभी, मीन्स वो नेम फेम गुडविल इतने लेवल तक का है आपके पास, बट आप काफ़ी ज़्यादा डिजर्व करते हो, चाहो बट आप अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हो, ठीक है जी। करना क्या चाहिए इस ग्रुप को, होप विल गेट द गाइडेंस, जो भी चीज़ें आपको, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है जी। यहाँ पे द एम्प्रेस इन रिवर्स, ओके अपराइट आ गया। नंबर थ्री की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आपको मिल सकता है, डिजर्व काफी करते हो। जहां पे भी एक्शंस क्विकली लेने हैं ना, वहां पे ले लीजिए भाई, वेट नहीं करो। आपके लिए बार बार यही गाइडेंस आ रही है, जहां पे लेने हैं आप, पता नहीं क्यों आपके कुछ सोचने लग जाते हो। ये वाला ग्रुप ऐसा है, करूं या नहीं करूं, जस्ट डू इट वाला आपके लिए है, जो मेरे तरफ से आ रहा है आपके लिए, जस्ट डू इट वाली एनर्जी आ रही है, जस्ट डू इट। वाह, एंड सच अ वेरी 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 ब्यूटीफुल कार्ड एम्प्रेस का। लक जहां पे होता है ना, पर्सन का लक को अट्रैक्ट कर लेना ऑटोमेटिकली, वो वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं पे आपके वाली लाइफ में, जो कि आपको मिल सकती है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, सेलिब्रेशंस की एनर्जी, एंजॉयमेंट की एनर्जी, पार्टी की एनर्जी, इसके आते ही ये सब भी मिलने की एनर्जी। एम्प्रेस के साथ किड्स है ना, छोटे बच्चे, यहाँ पे भी थ्री हैं, यहाँ पे भी थ्री हैं, सो ब्यूटीफुल। एम्प्रेस मीन्स आपका मटेरियल सक्सेस काफी हाई लेवल का होना, और एंजॉयमेंट, रोने धोने वाला नहीं है इसमें यहाँ पे कुछ, जब एम्प्रेस आती है तो। ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सीरियस रिजर्व नेचर नहीं रखे आप अपना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स, मैंने बोला ना आपका पैशन, आपका जिस भी चीज में पैशन है उसको अगर छोड़कर अगर आप किसी और चीज को फॉलो कर रहे हो ना, तो भाई रुके हुए हो, स्टक हो, तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। जो आपका पैशन है जिस भी चीज में था या है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ यहाँ पे स्टक हो गई थी, तो भाई वापस उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अगर करते हो विद इन वन वीक में आप बहुत सारे रिजल्ट्स देखने वाले हो। सेवन डेज मीन्स मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पे, सेवन डेज की एनर्जी काफी है, सेवन डेज के अंदर आप काफी सारे रिजल्ट्स देख सकते हो। नंबर 17 का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। अभी स्टार कौन है? ये कार्ड का एक्चुअली मीनिंग काफी होता है, तो इसलिए हमें स्टार ही आ गया है। फिर भी मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ आपके लिए, एक दो और कार्ड लेते हैं। सेवन की एनर्जी, ये वाला सेवन नहीं चाहिए जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो। मैंने बोला जस्ट डू इट वाली एनर्जी है, ना कि कंफ्यूज वाली, ये करूँ वो करूँ कैसे करूँ, ये होगा तो वैसे हो जाएगा, ये करूँ नहीं करूँ, इतना ये इन सब चीजों में नहीं पड़े। हो अगेन सेवन की एनर्जी, माय गॉश, लक इज ऑन योर साइड। आपको भाई मैम डैम श्योर, इस ये वाला ग्रुप पता है क्या है, सोचने समझने में बहुत टाइम लगा देता है, इसकी वजह से, इस वजह से। ये देखिए अगेन थ्री ऑफ वॉन्ट्स, थ्री ऑफ वॉन्ट्स, वाओ, थ्री ऑफ वॉन्ट्स आपका इस वजह से रिवर्स हो जाता है।
क्लियो वॉन्ट्स क्या था कि प्लानिंग प्रिपरेशन तो कर ली बट इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करता ये वाला ग्रुप। हाँ, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इतने स्ट्रांग आपका विल पावर और डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि फतेह चाहिए, विक्ट्री चाहिए तो चाहिए, फिर रास्ते में चाहे कुछ भी आए इधर या उधर और नहीं चाहिए, और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे रिवर्स करके बैठे हुए हो। हाय राम, क्या रीडिंग आती है यार, कभी कभी मजा आ जाता है भाई। वो 7 days मैंने आपको बोल रही हूँ वही चीज, अगर आप डिटर्मिनेशन विल पावर जहाँ पे जो करना है वो करना है, बस आपका पैशन है उसको ही फॉलो करना है तो कर रहा है, बीच में कुछ भी आ रहा है साइड में हो जाओ, साइड कर दो उसको, खुश खुश चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। एम्प्रेस इज ऑन योर साइड, 3-3 की एनर्जी, लग ग्रोथ एक्सपेंशन और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी होती है। कन्फ्यूजन ये वाला नहीं रखना, ये फालतू वाला कन्फ्यूजन है जो आपका दिमाग आपका दिल बार बार आपको डरा देता है, वो नहीं करना आपने। आपके डिटर्मिनेशन विल पावर के सामने कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपका ख्याली पुलाव है ऐसा लग रहा है आपको, क्योंकि आप रॉन्ग ऑप्शन चूज करने जाते हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। राइट तो आपके यहाँ पे है चॉइस, एक बार आपने इसको चूज कर लिया आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी, बट आपको उसके लिए खुद का डिटर्मिनेशन विल पावर जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वंडरफुल या पहले क्योंकि डिसीजन ही नहीं ले पाए थे भाई हम, तो अब ले लो, किसने मना किया, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2 ये थे आपके रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विद यू, इफ यस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स एंड ब्लेसिंग्स के लिए। हैव अ नाइस वंडरफुल डे अहेड। ये ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया है आपका टाइम का कार्ड, टाइम टाइम ओके टाइम। आपको लैक्मे की काजल की एड, वैसे मैं टीवी वगैरह बहुत 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 रेयर देखती हूँ, याद है ना काजल जो समय को मारते आपकी एनर्जी समय को मात देती है। आपकी एनर्जीज, सब तरह की एनर्जीज हैं आपकी यहाँ पे, स्पेशली जो आपकी खुद की एनर्जी जनरेट की है ना आपने कहीं से भी की है, खुद की, जैसे हम बोलते हैं ना खुद के इंसान के अंदर जो हमारी खुद की सेल्फ पावर होती है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है इस वाले ग्रुप की, और उसके सामने चाहे वो आपके हार्ट की एनर्जी हो, चाहे आपको कहीं से भी कुछ सीखने को मिला हो, चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब आपके सामने छोटा है, ठीक है। ये एनर्जी जो है ना क्रिएशन की एनर्जी है, क्रिएशन की, कुछ भी क्रिएट करने की एनर्जी। मैं जानती हूँ मैसेजेस काफी बड़े आ रहे हैं, बट जो लोग काफी लोगों के साथ तो ये चीज भी रेजोनेट करेगी ही ना। आपके अगर सब चक्रास को अगर देखा जाए तो आपके सेल्फ जनरेट की गई एनर्जी काफी बड़ी है, वाटर की एनर्जी उससे भी बड़ी, क्रिएशन की एनर्जी जिसको आप बोलते हो। टाइम के साथ साथ आपकी एनर्जी का आगे बढ़ते रहना, टाइम के साथ साथ आप लोगों को काफी सारी समझ मिलते रहना, क्लैरिटी मिलते रहना। ऐसा नहीं है कि लाइफ में आप स्टक नहीं होंगे, आपको रखा ही इसीलिए जाएगा ताकि आप खुद की एनर्जी को समझ सकें। ये एनर्जी आपके पास सबसे नहीं है, हमेशा से ही रहती है, ये थी है और रहेगी, ये ऐसे वाली एनर्जी होती है, और उसके बीच में लाइफ का बाकी जो चीजें सब होनी है वो तो पहले भी हो रही थी, होंगी और होनी है। खैर एक और मैसेज है, देखते हैं आगे वाले कार्ड्स में किसी में मिलेगा कि नहीं, तो मैं तभी इसको रिवील करूंगी। डेस्टिनी को साथ लेकर चलते हैं ना, ये वो वाला ग्रुप है, ठीक है। चलिए राजोवे टैरो डेक यूज कर रही हूँ मैं आपके लिए, देखते हैं मैसेजेस क्या आते हैं। ग्रुप नंबर 3, हाँ स्ट्रेंज स्ट्रांग एनर्जीज एक्चुअली, देखते हैं आपके लिए क्या आता है मैसेजेस में, आपके लाइफ की जर्नी और नेक्स्ट डायरेक्शन। फिलहाल स्टक फील कर रहे हो, परेशान हो सकते हो किसी चीज को लेके, किसी चीज की तलाश में हो, समझ में नहीं आ रहा, मैक्सिमम अलोन रहता होगा ये वाला ग्रुप, ठीक है। या दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, क्यों परेशान हो अपने फाइनेंसिस वगैरह को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, लाइफ को लेके, कि नहीं ये सब चीजें तो ठीक है बट मैं लाइफ में इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, लाइफ में एनर्जी स्टक क्यों है, क्या है चीज जिसने आपको बंधन किया हुआ है, बंधा हुआ है, क्या है जो रिलीज करना है जिससे मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, वो नहीं समझ में आ रहा अभी।
ये सब चीजें तो चलो ठीक है, उसके साथ साथ ये सब क्या है। स्ट्रांग है ना एनर्जीज, इसलिए प्रॉब्लम भी उसी लेवल की ही होती हैं। कन्फ्यूजन्स रहती हैं, फाइनेंसिस में इश्यूज रहते हैं, प्रॉब्लम रहते हैं, रिलेशनशिप में भी इश्यूज देखे होंगे इस वाले ग्रुप ने। या राइट नाउ अभी भी अगर आपको देखा जाए, फिलहाल इस ग्रुप की एनर्जीज अच्छी नहीं, एक स्टक है, एनर्जीज रिलीज करने वाली है। हैंगमैन का कार्ड जो है ना, मैंने पहले भी बोला ना, मेरे को ये कार्ड ना बिल्कुल पसंद नहीं है पाई कोटर, इसको होना नहीं चाहिए था ये कुछ लोगों के लिए। इसको कितना भी साइकिक स्पिरिचुअल मानते ना, मेरे को कार्ड पसंद नहीं है भाई ये बिल्कुल भी। ये ना सियाप्पा वाला कार्ड है, ये जब तक नहीं चाहता ना हमारी लाइफ से तब तक ना प्रॉब्लम ही रहती है। इसको स्पिरिचुअल लाइफ में भी पंगा लेना है, इसको हमारी मटेरियल लाइफ में भी पंगा लेना है। ये ऐसा कार्ड है हम खुद को भी ही नहीं समझ पाते, या हमें दूसरों के सामने ही एक्सप्रेस नहीं होने देता ये वाला कार्ड है। आई जस्ट हेट दिस कार्ड। कुछ कुछ आपके कार्ड होते हैं ना सबसे ज्यादा पसंद होते हैं, और ये सबसे सड़ू कार्ड है। ठीक है, देखिए बहुत ही जबरदस्त कार्ड आया आपका नेक्स्ट। ये है आपका यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ट्स का। यू विल स्टार्ट समथिंग इन योर लाइफ। अभी पोस्ट पे हो, अभी आप कुछ सोच रहे हो, विचार रहे हो, काफ़ी सारा हो सकता है एनर्जीज जो है ना आपको थका देती हैं बार बार, तो रेस्ट काफ़ी लेना पड़ता है। लेजी फील करते हो, या आप अपनी लाइफ को मिस करते हो, या किसी को मिस करते हो, कुछ ना कुछ है जो आप अपनी लाइफ में मिस करते हो, कहीं जाना चाहते हो। मेंटल वरीज भी हैं, आपके चक्रास को अफेक्ट करने वाली एनर्जीज भी हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, वही समय चक्र का कार्ड फिर से यहाँ पर आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। किसने ना मेरे नेल्स पे नहीं जाना है, हर वक्त नेल पेंट नहीं लगाया था। आई एम सो सॉरी फॉर दिस मैसेजेस जो मैं बीच में दे देती हूँ, क्योंकि हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपने पेरेंट्स को लेके। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब दिन और रात की एनर्जी, अच्छे और बुरे की एनर्जी, कि भाई जो अगर बुरा टाइम आपने अगर इतना यहाँ पर देख लिया है तो अच्छा टाइम भी तो आएगा ना। जब आएगा तो बुरा जितना देखा है तो अच्छा भी उतना अच्छा आएगा। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप जानते हैं मैं इस कार्ड को हमेशा ग्लोरीफाई करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी होती है आपकी लक, ग्रोथ, एक्सपेंशन की एनर्जी। हायर लेवल का जब आपके ऊपर एनर्जीज का ब्लेसिंग्स होते हैं, है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य की, समय चक्र की एनर्जी, ऊपर भी टाइम नीचे भी वैसा ही आपने एनर्जी को चूज किया है। इसके साथ साथ ना ये जो लटका हुआ है ना यहाँ पे बंदा, ये जिसने एनर्जी बंधी हुई है, मतलब अरे दूसरे टर्म में बोल रही हूँ, अब इसको नेगेटिव साइड में नहीं लेके जाएं तो आपकी एनर्जीज भी खुलेंगे। जहाँ ये स्टक इश्यूज आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में बहुत, तो आपकी बॉडी में भी आप चेंजेस देख रहे होंगे, थके हुए फील करते होंगे, हेल्थ इश्यूज भी देखते होंगे, टेंशन स्ट्रेस भी देखते होंगे, तो वो वाली एनर्जी भी रिलीज होंगी। अब देखते हैं आगे कार्ड क्या आता है। सामने निकाला आया है, ठीक है, एकदम से कभी कभी कुछ कार्ड को बोल दो ना तो वो कार्ड सेम आ जाता है। फाइव ऑफ क्या बोल रहे थे हम? ओह हाँ जी, ये मालूम है। अभी ना थोड़ा सा और टाइम है आपके फाइनेंसिस को इम्प्रूव होने में। जहाँ पे भी आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आप सोच रहे हो, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, कुछ दिन की एनर्जी है खाली यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी जो है ना चीज़ें आपको फेवर नहीं करती हैं, टाइम फेवर नहीं करता, लक फेवर नहीं करता, कुछ ना कुछ इश्यूज प्रॉब्लम आ जाती हैं। ठीक है, तो उसके पीछे भी कोई बड़ा रीज़न ही है उसके पीछे भी कोई। ठीक है जी, इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस वाले ग्रुप का। कौन सा कार्ड कह रहा है ये भी देख लें, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। हो सकता है आपके रास्ते में जो आपके जॉब में, प्रमोशन में, कहीं से दूर से कुछ न्यूज़ आने में, कुछ क्लियरेंस होने में, एजुकेशन से रिलेटेड है आपका, जॉब से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, या दूर कहीं से कोई मैसेजेस वगैरह आने हैं आपको, कोई गुड न्यूज़ वगैरह आनी है आपको, जहाँ पे थोड़ा सा डिले होने की वजह से आप वेट कर रहे हो। आप इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा है इस ग्रुप का, मैसेजेस मिलते होंगे, आंसर्स मिलते होंगे इस वाले ग्रुप को। कुछ लोग जालस भी फील करते होंगे आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। तीन कार्ड आए हैं, तीनों रखें। एस ऑफ वांड्स, कुछ दिन की ही एनर्जी मेरे को यहाँ पे लग रही है। ठीक है, कभी कभी हार्ट बीट स्किप होती है ना, अजीब सा लगता है तब, है ना। एस ऑफ वांड्स की एनर्जी, ग्रोथ तो होगी, कैसे नहीं होगी, इतनी मेहनत कर ली, यहाँ तक आ गए, कितना कुछ देख लिया, तो आगे भी कैसे नहीं होगा। पहले आप अपनी मेहनत पर करते थे, बाकी आगे अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, क्योंकि वहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आया था हमारे पास हाई प्रिस्टेस का कार्ड। अब टाइम के साथ जब हाई प्रिस्टेस मैडम देवी आ जाती है ना,
तो मैसेजेस बहुत बड़ा हो जाते हैं फिर उस केस में। इटर्नल एनर्जी इसको बोलते हो आप, हाई राइडर वे टैरो डेक में हाई प्रिस्टस ना सबसे बड़ी साइकिक एनर्जी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, सीक्रेट एनर्जी होती है, सीक्रेट नॉलेज होती है, मदर आइसिस की एनर्जी होती है, ऑकल्ट साइंस की एनर्जी होती है। और इसको खुलना ही होता है ना, जब तक ये स्टक रहेगी तो लाइफ में ये प्रॉब्लम्स होना कोई बड़ी बात नहीं होती, अच्छे अच्छों की लाइफ में प्रॉब्लम होती है ऐसा होने पे, क्योंकि आपको रिलीज करना होता है काफ़ी सारे लोगों को भी, काफ़ी सारे लोगों को भी रिलीफ देना होता है, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आया था, सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, नेक्स्ट डायरेक्शन भी हम इसमें देख रहे थे जो कि हमने कार्ड में बता दिया था दो में। ओ यार आ गया, बता दिया हमने ये वाला, वापस आ जाओ आप। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि रिलेशनशिप में इश्यूज, फाइनेंसिस में इश्यूज होने की वजह से पूरा स्टैंड नहीं हो पा रहे हो जितना आपको स्टेबिलिटी होना चाहिए था। फोर ऑफ कप्स, कहीं मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा, क्या करें। बट हम जो अभी नेक्स्ट रीडिंग देख गाइडेंस देख रहे हैं ना, वो ये है कि नेक्स्ट डायरेक्शन ये ठीक है, रख लेते हैं इसको भी, इस कार्ड को, क्योंकि हमने इसीलिए ही निकाला ना, इसको फिर से आया है। देखिए अभी राइट नाउ अगर आप किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हो तो कुछ भी अगर आ जाए ना, आती हैं, अभी ये मत बोलना नहीं आती है, कार्ड बोल रहा है, चाहे आपके लेवल की नहीं होती, आपकी पसंद की नहीं होती, आप जैसा चाहते हो वैसी नहीं होती हैं, बट फिर भी आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसको ना एक्सेप्ट कर लो, फिलहाल कुछ टाइम पीरियड के लिए एक्सेप्ट कर लो, या जो भी गाइडेंस एडवाइस दी जा रही है, आपका चॉइस कुछ हो रहा है इसलिए आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बट वो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, अगर आप कर सकते हो तो जरूर करो। नेक्स्ट डायरेक्शन, टाइम वाला कार्ड चूज किया, अब आपको कौन गाइडेंस दे सकता है फिर, नो बडी कैन। बट यहाँ पे हम ये तो बता सकते हैं क्योंकि दोनों ग्रुप में आपका वो आया था, आया है, नेक्स्ट स्टेप आ गए थे, एस ऑफ कप्स का कार्ड, न्यू ब्यूटीफुल एनर्जीज का आपकी लाइफ में आना, अब पहले जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती थी, अगेंस्ट होती थी, अब सब चीज़ों का आप फेवर में धीरे धीरे करके आपके चीज़ें फेवर में आएंगी, सेवन डे से लेकर वन मंथ में कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशंस की एनर्जी, घर में कुछ ना कुछ होने की एनर्जी, आपकी इस पोजिशन पहले से काफ़ी स्ट्रांग होने की एनर्जी, मुझे लगता है कि आप यहाँ से फोर ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ सोर्ड्स तक आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगी, विच इज़ टू 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 गुड। हाँ मैंने बोला था ना इस कार्ड को आना होगा, तो ये आएगा। हाँ मजा आ गया, ये तो वाले कार्ड देख भाई, टाइम के साथ जब हायरोफेंट भी आ गया और व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया, इट मींस आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा कि आप खुद के लिए करना चाहते हो कि भाई लाइफ सेटल हो जाती, जॉब कर लेते, इतने फाइनेंसिस हो जाते, बहुत था, बट आपको चूज डिफरेंट चीज के लिए किया गया था, हायरोफेंट के लिए। हायरोफेंट मीन्स द पर्सन हु इज अ मेंटर और प्रोटेक्टर ऑफ सम ट्रेडिशंस, है ना, गुरु की एनर्जी कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, आगे लेके जाता है, लोगों को काउंसिल करता है, कंसल्ट करता है और समझाता है, हाई प्रिस्टस के साथ हायरोफेंट। वाह, टाइम चूज किया है, आना ही था इसने, फिर आपका ये क्या आता है, आपके पर्सनल चक्रास एनर्जीज, आपके पास एनर्जीज होना, पॉजिटिव एनर्जीज, दूसरों के नेगेटिव एनर्जीज को कट करने की पावर भी है ना, मतलब चक्रास एनर्जीज काफ़ी कुछ है यहाँ पे। जनरल रीडिंग में हर चीज़ एक्सप्लेन आप उस तरह से नहीं कर पाते हो, बट ये रीडिंग बहुत ही एक डिफरेंट लेवल पर है ना, आई जस्ट लव दिस रीडिंग, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप लोगों को लगता है कि सक्सेस मिलेगी, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, जो लोग जिस भी पर्पज से इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको सक्सेस मिलेगी, जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में, चीज़ें प्रॉब्लम इश्यू चल रहे हैं, दो कार्ड उसका उसमें आ चुके हैं कि एक तो थोड़ा सा फॉलो करिए किसी भी तरह के ट्रेडिशन को, अपने ट्रेडिशन को, या किसी भी चीज़ को, अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, और वट एवर यू वॉन्ट, आपकी जो भी हार्टफेल्ट डिज़ायर थी वो कम्प्लीट होगी, पूरी होगी। ये कार्ड्स में वैसे काफ़ी कुछ मैसेजेस हैं, कार्ड्स काफ़ी, ये दो कार्ड काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। खैर ग्रुप नंबर थ्री, ये थे आपके रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विद यू, इफ यस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स एंड ब्लेसिंग्स के लिए। बाय, हैव अ नाइस वंडरफुल डे हैड।